हेलो गाइस, पुण्य श्लोक हिले भाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। जब खंडरा सुबह उठते हैं तभी वहाँ पर रमजानी आती है और बोलती है कि आपके लिए दूध लान सरकार। तो खंडरा बोलते हैं कि हम यहाँ कैसे। तो रमजानी बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी से चलकर आए थे, दिल से आए थे या नहीं ये नहीं पता, आपकी जितनी खिदमत हो सकती थी हमने की थी। तो खंडरा बोलते हैं ये तो भूल हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पूरी रात हम यहाँ। तो रमजानी बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए सरकार, हमारे पास भी जमीर है और जिनका जमीर होता है वो कभी गलत नहीं करते। कुछ गलत नहीं हुआ है, रमजानी भले ही एक नर्तकी है लेकिन जिस जमीन पर इजाजत नहीं होती वह हमारे घुंगरू नहीं खनकते। आप यहाँ सोए थे और हम मेहमान खाने में। तो खंडरा बोलते हैं कि धन्यवाद। तो रमजानी बोलते हैं कि फिर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। और तभी खंडरा संगीत कक्ष से बाहर आते हैं और तभी वहाँ पर अहिल्या आती है। तो अहिल्या बोलते हैं कि छोटे सुबेदार जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो खंडरा बोलते हैं कि अहिल्या सच कहें तो हमें समझ में नहीं आ रहा, कल अचानक हमें गुस्सा आ गया। तो अहिल्या बोलते हैं कि छोटे सुबेदार जी, मैंने तो उस विषय पर आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछा है, जो बात साफ है उसकी सफाई क्यों देना, और आपने शायद कल रात से कुछ खाया नहीं होगा, आप स्नान कर लीजिए फिर कुछ खा लीजिएगा। और इतना कहकर अहिल्या अपने कक्ष में आ जाती है। और तभी यहाँ पर खंडरा गुस्से से आते हैं। तो अहिल्या बोलते हैं कि क्या हुआ छोटे सरदार जी, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो खंडरा बोलते हैं कि बाहर क्या था वो, मतलब हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई थी और तुम बीच में छोड़कर अंदर चली आई, ना कुछ कहा ना कुछ सवाल। तो अहिल्या बोलते हैं कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है छोटे सरदार जी। तो खंडरा बोलते हैं कि बच्चे नहीं है हम, तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना, तुम कुछ कहो या ना कहो तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो अहिल्या बोलते हैं कि अगर आप मेरी आंखें पढ़ सकते हो तो आप ही बताइए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो खंडरा बोलते हैं कि तुम्हें हमारा रमजानी के कक्ष में जाना और वहाँ रात रहना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे। रात को हम गुस्से में अपने कक्ष से निकले तो हमारा सर घूम रहा था और सुबह आँख खुली तो हम रमजानी के कक्ष में थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ हमारे हाथ से फिसल रहा हो, हमारा खुद पर काबू नहीं रहता, हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। तो अहिल्या बोलते हैं कि शांत हो जाइए छोटे सरदार जी, सब ठीक हो जाएगा, हम एक बार फिर राजवैजी से सलाह ले लेते हैं और अब आप चलिए और स्नान कर लीजिए, आज बाबा साहब आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो खंडरा बोलते हैं कि अहिल्या अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ करना, और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तो अहिल्या सोचते हैं कि आपकी नियत पर पूरा विश्वास है छोटे सरदार जी, पर आपके स्वभाव पर विश्वास नहीं है, आज तक उसी ने आपके साथ घात किया है। और इसके बाद दिखाया जाता है गोने जी द्वारकाबाई से बोलते हैं कि खंडरा का स्वभाव भी उसकी हार का कारण बनेगा, आप बस देखते जाइए। तभी द्वारकाबाई बोलते हैं कि देख तो मैं भी रही हूँ कुछ दिनों से, चलो खंडरा का स्वभाव भी उसकी हार का कारण होगा, लेकिन क्या इससे आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, आपका दरबार में वापस लौटना इससे संभव होगा। तो गोने जी बोलते हैं कि जरूर होगा, आज मल्लारो सरकार वापस आ रहे हैं, उन्हें बस पता लगने की देर है कि खंडराव की क्या हालत है, फिर तो सब कुछ मल्लारो सरकार ही करेंगे, इससे पहले वो खंडराव को दरबार से निष्कासित करेंगे। और खंडराव के दरबार से निकलने के बाद अहिल्या की ताकत अधूरी हो जाएगी, फिर हमारा दरबार में आने का रास्ता खुद ब खुद ही खुल जाएगा। तो द्वारका भाई बोलते हैं कि तो आपने खुद के हिसाब से दो चार फैसले दरबार में दे दिए होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप ये सब करोगे कैसे। तो गुनी बोलते हैं कि आपको पता है कि मल्लारो के स्वागत के लिए उन्हें लेने कौन गया है, नेहरू जी, और हमें पूरा यकीन है कि जितने दिन मल्लारो सरकार वाड़े में नहीं थे नेहरू जी, उतने दिन का ब्यौरा मल्लारो सरकार को अवश्य देंगे, और उसके बाद खंडराव की हालत बहुत खराब हो जाएगी और बेचारी अहिल्या उसको संभालने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। और इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, अहिल्या मंदिर जाती है और तभी उसके पैर के नीचे कंकर आ जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रमजानी आ जाती है और अहिल्या को बचा लेती है और बोलती है कि ध्यान से छोटी रानी साहब, एक छोटा सा कंकर आपका पांव नहीं टिका सकता, जरूर आपका ध्यान कहीं टिका हुआ है, इसलिए कहा कि ध्यान से। तो अहिल्या बोलते है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें गिरने से बचा लिया, आपका ध्यान सही जगह पर है। तो रमजानी बोलती है कि अगर कोई हमारी पहुंच में है और डगमगा रहा है उसे हाथ देकर थाम लेना ही हमारी फितरत है, गुस्ताखी माफ, लेकिन क्या हम आपके साथ दो कदम चल सकते हैं। तो अहिल्या बोलते कि मेरे कदम राज दरबार की ओर जा रहे हैं, आप ज्यादा कदम चल नहीं पाएंगे मेरे साथ। तो रमजानी बोलते कि इस कनीज को अपनी हदें मालूम है, आप बेफिक्र होकर इजाजत दीजिए। और इसके बाद दिखाया जाता है मालरा और मुक्ता खंडराव के पास आते हैं और बोलते हैं कि बाबा साहब जल्दी चलिए, दादा साहब वापस आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जाना है। और तभी खंडराव की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो मालरा बोलता है कि क्या हुआ बाबा साहब। तो खंडराव बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम चलो हम आते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या रमजानी से बोलते है कि आप यहाँ मंदिर में कैसे। तो रमजानी बोलते है कि जब हम जयपुर में थे तो रोज इस वक्त दरगाह जाया करते थे, लेकिन यहाँ दरगाह कहाँ है हमें मालूम नहीं, इसलिए मंदिर ही आ गए, नाम अलग है और इबादत करने की जगह भी अलग है, लेकिन वो ताकत जिसे हम भगवान या अल्लाह कहते हैं वो तो एक ही है ना, हम कुछ भी कहेंगे बातों तक पहुँच ही जाएगी ना। तो अहिल्या बोलते है कि आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, काफी सुंदर विचार है और खूबसूरत भी आपकी तरह। तो रमजानी बोलते है कि जी शुक्रिया, और अब छोटे सरदार जी की तबीयत कैसी है। बेशक छोटे सरदार जी वहाँ थे लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थे, या कह सकते हैं कि उनकी रूह वहाँ नहीं थी। तो अहिल्या बोलते है कि लेकिन कल रात आपके कक्ष से संगीत की आवाजें आ रही थी। तो रमजानी बोलते है कि संगीत हमारी रूह है, जैसे आप अपने हथियारों की इज्जत करती हैं वैसे ही हम अपने साजों की बेइज्जती नहीं होने देते, हमारे साजकार सरकार की खिदमत में महफिल सजाए बैठे थे लेकिन जब देखा कि वो होश में नहीं है तो कुछ सुरों को छेड़ कर साज बंद कर दिए गए और वो वहीं सो गए, लेकिन हमारे कुछ लोग रात भर उनकी खिदमत में लगे रहे थे इसलिए ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और अहिल्या
अहिल्या से बोलता है कि बड़ी रानी साहब ने आपको बुलाया है। तो अहिल्या बोलते है कि चलिए मैं आती हूँ। और इसके बाद दिखाया जाता है मल्लारा सरकार महल में आते हैं और तभी सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं और सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। तभी मल्लारा बोलते हैं कि खंडराव कहाँ है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा मल्लारा बोलते हैं कि हमने जिस भरोसे से अहिल्या को राजपाट संभाला था वो उस भरोसे पर पूरी तरह से खरी उतरी है। तो खंडराव बोलते हैं कि जीवावा साहब नई चीज की शुरुआत भी अहिल्या से हुई है और अंत भी अहिल्या के मोर से हुआ है। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।